सिलेटेड कट इंजरी है इनके फोरहेड पे आईब्रो के साइड में। इस तरह का इंजरी बच्चों में फॉल के कारण या किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से ग्लास से लगने के कारण होता है। अगर इसको रिपेयर ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो इसमें स्कार आती है। इसमें हम लोग टिश्यू क्लोजर इन डिफरेंट लेयर, टिश्यू ग्लोइंग एंड लेज़र का यूज़ करेंगे ताकि मार्क्स कम से कम आए और ऑलमोस्ट नहीं आएगा मार्क्स में। जिस तरह किसी स्कार रिविजन सर्जरी में हम लोग करते हैं स्कार हटाने के बाद, तो वैसे ही इसमें भी प्रॉपर रिपेयर ऑफ टिश्यू इन डिफरेंट लेयर्स विद द यूज़ ऑफ CO2 लेज़र एंड फाइनेस्ट पॉसिबल सूचर, इसका रिपेयर भी हम लोग करेंगे। ये कंप्लीट हो गई है लेसरेटेड इंजरी रिपेयर इन मल्टीपल लेयर्स विद द यूज़ ऑफ CO2 लेज़र एंड टिश्यू ग्लू। तो इसमें हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि बाद में शायद कोई भी निशान कहीं से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि टिश्यू मार्जिन प्रॉपरली अपोज्ड है।